आज के डायरेक्ट दिल से के इंटरव्यू में ऐसे ब्रांड का इंटरव्यू लेने वाले हैं जिनने 2019 में 13 स्मार्टफोन की सीरीज लॉन्च की और साथ ही साथ 34 स्मार्टफोन सब वेरिएंट्स मिला के लॉन्च किए और साथ ही साथ उन्होंने भारत में बनाया अपना पहला हैप्पी बर्थडे। मोबाइल इंडियन और मैं हूं संदीप और आज के इस डायरेक्ट दिल से के इंटरव्यू में मेरे साथ है माधव सेठ, सीईओ रियलमी इंडिया। हाय माधव, वेलकम टू द शो। हाय। आज तो आपने साल का आखिरी लॉन्च कर दिया ना, इसके बाद तो कुछ तो नहीं है ना दिसंबर में भी? दिन कम पड़ गए हमको। अरे माधव, आज आपने एक्चुअली तीन चीजें लॉन्च की। एक स्मार्टफोन लॉन्च किया, एक वायरलेस बड्स लॉन्च किए और साथ ही साथ एक सर्विस भी लॉन्च की। और काफी टाइम से उम्मीद लगाई जा रही थी कि आप सर्विस सेक्टर में घुसेंगे, कुछ ना कुछ लाएंगे, लेकिन कब आएगा, कैसे आएगा, कुछ अंदाजा भी नहीं हुआ, कोई लीक्स भी नहीं आई इसकी। और ये एक चीज है जिसका आपको क्रेडिट जाता है कि आपने पूरा अच्छे से लीक को ना दबा के रखा था, इसकी मतलब 0.1% लीक भी नहीं आई थी। तो सबसे पहले इसी बात कर लेते हैं रियलमी पैसा पे। रियलमी पैसा, अगर कोई इंसान लोन लेना चाहता है उसको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे? देखिए, ये रियलमी पैसा पूरा कंप्लीट डिजिटल सॉल्यूशन रहेगा। आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड आप ऑनलाइन कर सकते हो, आप अप्रूवल रिजेक्शन सब कुछ आपको ऑनलाइन ही पता चलेगा जी। ये सर्विसेज इज नॉट ओनली अबाउट के हम लोग को सिर्फ लोन देने के लिए, एवरीथिंग अबाउट मनी। तो पहले हम लोगों ने डिसाइड किया था कि इनका नाम हम क्या रखें, पहले रियलमी पे रखे, तो सिर्फ पेमेंट्स को लेके सब लोग सोचते जी। पैसा मतलब एवरीथिंग रिलेटेड टू योर मनी। और पैसे कुछ और भी दिमाग में आ जाता? नहीं, ऐसा नहीं है, बट पैसा मतलब एवरीथिंग अबाउट मनी है। मतलब आपको सेव करना है, आपको इन्वेस्ट करना है, या आपको जो भी आपको फंड से यूटिलाइज करना है उनको, एवरीथिंग इज अबाउट दैट। आपको फ्यूचर में जाके उसका म्यूचुअल फंड लेना है, कैशबैक्स, एवरीथिंग वुड बी अंडर रियलमी पैसा नाउ गोइंग फॉरवर्ड। राइट। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो सब आपको ऑनलाइन ही जमा करने हैं, ऑनलाइन वेरिफिकेशन हो जाएगा। राइट। इंटरेस्ट रेट क्या रहने वाला है लोन का? सी, इंटरेस्ट रेट वुड बी रेंजिंग फ्रॉम अबाउट 13% गोइंग अप टू 35% डिपेंडिंग ऑन द लोन जी। एंड उसके ऊपर के भी हम लोग SMEs को भी लोन देते हैं जी। एंड अगर इफ देयर इज एनी लोन व्हिच इज अबव द डिजिटल पेमेंट्स, अबव 5 लाख और समथिंग, तो फिजिकल भी हमारी टीम जाके उनसे एप्लीकेशन लेके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवा के हम लोग उनको लोन दे सकते हैं। राइट। अगर मैं इस सेक्टर की बात करूँ पेमेंट्स में, जहाँ पर लोग इंटरेस्ट पे लोन दे रहे हैं, इसमें आप अकेले नहीं हैं, और भी बहुत सारे प्लेयर्स हैं इस मार्केट में। और बस आपके पास जो मुझे डिफरेंशिएटिंग फैक्टर, मैंने आपकी अनाउंसमेंट सुनी थी, लगा था कि आपने SME सेगमेंट को भी केटर किया है, जो अभी बाकी स्टैंड अलोन लोग जो थर्ड पार्टी टाइप करके लोन प्रोवाइड कर रहे हैं वो नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा आपकी सर्विस में क्या एक्सपेक्ट रहेगा? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हम लोग जो चार सर्विसेज दे रहे हैं करंटली, विच इज पेमेंट्स है, सेविंग्स है, या लेंडिंग है, या आप कोई अदर फाइनेंशियल सर्विसेज बात करें, ये चारों चार आपको एक ही जगह पे मिलेगी। सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपको मल्टीपल पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट में नहीं जाना पड़ेगा कि अगर आपको सेव करना है तो आपको मल्टीपल ऐप्स डाउनलोड नहीं करने पड़ेंगे, आपको लोन लेना था आपको मल्टीपल इंस्टीट्यूशन में नहीं जाना पड़ेगा, एवरीथिंग एट वन प्लेस। सो आपको सेव करना हो, या आपको फ़ोन का इंश्योरेंस लेना हो, या आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना हो, या आपको कोई भी पर्टिकुलर रिलेटेड एनीथिंग टू मनी पेमेंट्स करना हो फ्यूचर में, या आपको सेविंग्स भी करना हो, एवरीथिंग वुड बी एट वन प्लेस। So that is one of the most important aspect. Right. एक और product आपने launch किया Buds Air. So friends, Buds Air का review तो हम आपको कल देने वाले हैं, लेकिन हम एक और काम कर लेते हैं आज, माधव से review ले लेते हैं पहले Buds Air का और पूछते हैं, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि इनने एक हफ्ते पहले यूज करना स्टार्ट किया होगा, ये तो काफी टाइम से यूज कर रहे होंगे, तो इनका भी रिव्यू लेते हैं और फिर अपने रिव्यू के साथ मैच करेंगे कि कहीं पर कुछ 19-20 तो नहीं हो रहा है। तो उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा कल तक, लेकिन फिलहाल माधव से बात कर लेते हैं। माधव, आपने Buds Air कितने मैं लास्ट 1.5-2 महीने से यूज़ कर रहा हूँ जी। एंड हम लोग कंटिन्यूस टेस्ट कर रहे हैं इनके ऊपर, हम लोगों ने साउंड टेस्टिंग की है, लेटेंसी टेस्ट की है जी, काफ़ी हम लोग टेस्ट करे, दूसरे भी ईयरबड्स हम लोग ने यूज़ करके चेक किए थे, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि मार्केट में व्हाट इज द बेस्ट। माधव मेरे जम कर रहे हैं, इनको मालूम है मेरा अगला क्वेश्चन क्या आने वाला है, उससे पहले ही उसको आंसर दे रहे थे, भी हमने टेस्ट किए हैं बाकी। तो माधव, पहला क्वेश्चन ये आता है, बट सर आप ऑलमोस्ट 1.5 महीने से यूज़ कर रहे हैं, आप को इसके एक बड में कितना चार्ज टाइम मिल रहा है ऑन एन एवरेज? आप सी, टोटल बैटरी लाइफ इज 17 आवर्स जी। वन चार्ज में बर्ड्स में आप 3 आवर्स तो कंटिन्यूस यूज कर सकते हो, बट दिस पॉड कैन चार्ज अप टू 17 आवर्स जी। सो दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आज के दिन में। इसकी दूसरी जो मेन खूबियाँ है अगर मैं बात करूँ तो टच कंट्रोल्स है जी।
इसके अंदर जो वन टच, टू टच, थ्री टच में जो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. लोएस्ट लेटेंसी रेट है जो भी आज के दिन में जो 15-20 हर के भी जो पॉड्स है उनसे भी लोएस्ट लेटेंसी रेट से. सो फिर दूसरा आपके यहाँ पे ईयर डिटेक्शन है, जी अगर आप निकालते हो तो यहाँ पे फ़ोन में डिटेक्ट हो जाता है ऑटोमेटिकली, और डालते हो तो भी आपका डिटेक्ट होता है. तो ऑटोमेटिकली अगर आप पॉड से बाहर निकालते हो या पॉड ओपन करते हो तो भी ये फ़ोन में डिटेक्ट हो जाता है. तो ये सारी जो सुविधा है, आई थिंक दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कन्वीनियंस आई वुड से मेक्स रियलमी बड्स एयर बेस्ट इन दिस सेगमेंट आई वुड राइट. से. तो जो इसका जेस्चर रिस्पॉन्स है, खासकर टच रिस्पॉन्स, आपको कंटिन्यूसली एक ही इनपुट आ रहा है या आपको बीच बीच में लग रहा था कभी कभी स्किप कर रहा है, जैसे कि कॉल कैंसिल करने के लिए आप टच कर रहे हैं लेकिन लिया नहीं, फिर थोड़े दिन यूज करने के बाद फिर वो नॉर्मलाइज हुआ, ऐसा भी आपको लगा नहीं कभी? नहीं स्टार्टिंग के टेस्टिंग पीरियड्स में हम लोग काफ़ी जेस्चर्स के कंट्रोल्स के ऊपर हम लोग उनको सेटिंग्स यूज़ हम लोग ने चेंजेस करने की ट्राई की थी. जी बट यस वी वर ट्राइंग टू सी के एक एक टच में सबसे जो ज़्यादा यूज़ फैक्टर हो जी उसको हम लोग रखें, जी दो में उसे कम रखें, गेम मोड के लिए दोनों को क्लिक करें. जी सो बिकॉज गेमर्स भी है जिनको कंटिन्यूस उनको फीडबैक चाहिए, तो दोनों दोनों एक बार री टच करेंगे तो गेमिंग मोड चालू हो जाता है, जी और दोनों वापस एक बार डबल टैप किया तो बंद हो जाता है. तो दिस टाइप ऑफ फीचर्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द गेमर्स ऑल्सो एट द सेम टाइम, ये भी हम लोग ने इसमें ध्यान रखा हुआ राइट. और अगर आप डिजाइन की बात करें तो डिजाइन में बहुत सारे लोगों का मानना है ये एप्पल आईपॉड से मिलते जुलते, आई एयरबड से मिलते जुलते डिजाइन है, तो इसे आप कोइंसिडेंस कहेंगे या इंस्पिरेशन कहेंगे? देखिए ना, मैं कोइंसिडेंस का होगा ना मैं इंस्पिरेशन का होगा. मैं ये दो चीज़ पहले आपको बताना चाहूँगा कि ये 1 इंच डिवाइस में जी बहुत कम क्रिएटिविटी आप यूज़ कर पाओगे. जी दिस इज ओनली 1 इंच ऑफ डिवाइस. जी इसमें सबसे पहले क्राइटेरिया क्या है कि आपके ईयर में वो होल्ड हो पाता है कि नहीं हो पाता है. जी अगर वो ईयर, क्योंकि बिकॉज सबके ईयर जो सेंसेज है, मीन्स आई वुड से जो शेप है जी अलग अलग होते हैं. जी सो अगर हम लोग जो एक ईयरबड्स बनाते हैं वो हर कान में यूजफुल हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, सो दैट इज़ समथिंग व्हाट वी वांट टू सी. द फर्स्ट एस्पेक्ट वॉज के कान में डालने के बाद आपके वो गिर ना जाए या लूज़ ना हो जाए. तो हम लोग ने ये सारी चीज़ भी ध्यान रखते हुए हम लोग ने पहले वो डिज़ाइन हम लोग ने डेवलप किए कि कान में से कोई भी हमें ग्रिप नहीं जानी चाहिए जी एट द टाइम ऑफ एक्टिविटी, एट द टाइम ऑफ एनी फिटनेस एक्टिविटी या आप डे टू डे यूसेज में वो गिरना नहीं चाहिए. जी साइकिलिंग भी करते वक्त मैंने ट्राई कर चुका हूँ, ये मतलब ऐसे है कि नहीं गिरेगे. सो दैट इज़ द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट. दूसरा है कि इसके अंदर वॉइस कंट्रोल है कि आप गूगल से या किसी से भी वॉइस असिस्टेंट से भी आप बात करके अपना काम कर सकते हो. दैट इज़ अनदर थिंग विच आई वॉन्टेड टू डू इट, बिकॉज बार बार आप मोबाइल टच करना प्रीफर नहीं करोगे आपके एक फंक्शन के लिए. तो इट्स बेटर कि अगर आपको वॉइस असिस्टेंट चाहिए तो यू कैन जस्ट प्रेस ओवर हियर एंड यू कैन हैव अ वॉइस असिस्टेंट एक्टिवेटेड ऑन योर फोन ऑल्सो. राइट. सो ये सारे फीचर्स आई थिंक विच वॉज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, और हम लोग उसके पीछे ज़्यादा फोकस कर रहे थे. वायरलेस चार्जिंग पॉड है कि आपने अगर पॉड यूज़ भी नहीं करे तो आपने वायरलेस चार्जर पॉड पे रख दिया तो ये ऑटोमेटिकली चार्ज हो जाएगा. पॉड चार्ज हो जाएगा तो फिर आप उसके अंदर रात को कभी भी आप डालो बर्ड्स तो आपके चार्ज हो जाएगा. सो दिस आर द टाइप ऑफ थिंग्स एंड इन 1.5 इंच और क्रिएटिविटी इससे ज़्यादा तो हम लोग ट्राई कर सकते तो नहीं आ सकते. राइट. अच्छा अब ये चीज़ बताइए कि अगर हम 2019 देखें तो आपने 5,000 से लेके 15,000 के बीच में ऑलमोस्ट 58% डिवाइसेस अपनी लॉन्च की थी इस साल पे. और एक और चीज़ थी जो आपने किया कि आपने बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ ही नहीं किया, जैसे कि अगर मैं कैमरा डिपार्टमेंट में बात करूँगा तो आपने ट्रिपल कैमरा का एक भी फ़ोन नहीं लाया इस बार, और उसके अलावा आपने जितनी डिवाइसेस लॉन्च की हैं उसकी 42% डिवाइसेस वर ऑन क्वाड कैमरा. उसके अलावा आपने 8 डिवाइसेस लाई जिसमें 64 मेगापिक्सल कैमरा का यूज़ किया आपने. तो ये सब आपने एक चीज़ तो कर दी, दिखा दिया है कि अफोर्डेबल प्राइस सेगमेंट पे एक सॉलिड प्रोडक्ट आ सकता है. अगर अगले साल 2020 में आप कोशिश करेंगे कि 25,000-30,000 की रेंज में फ़ोन लाने की, कंज्यूमर्स एक्सेप्ट करेंगे या आपको लगता है उसमें जाने की जरूरत ही नहीं है? नहीं, क्यों नहीं जाने की जरूरत है. एक रिसेंट स्टडी में बताना चाहूँगा आप लोग सबको. जी वी हैव डन अ रिसेंट सर्वे. 15 से 20 साल के जो कस्टमर थे जी. वो अपग्रेड नहीं हो रहे. पहले आज से अगर आप 3 साल 4 साल पहले देखोगे तो हर प्राइस पॉइंट अपग्रेड हो रहा था. जो 10,000 वाला था वो नेक्स्ट टाइम 15,000 के प्राइस पॉइंट पे जा रहा था, 15,000 वो 20,000 के प्राइस पॉइंट पे जा रहा था द नेक्स्ट परचेज. नाउ वी हैव सीन द रिसेंट ट्रेंड, जो 15 से 20,000 या तो 15 से 20,000 में ही स्टिक है या तो दे आर गोइंग बिलो 15,000. सो ये ट्रेंड से एक पता चलता है कि आई थिंक द फोन्स विच दे यूज टू गेट अबाउट 25,000 अबाउट 20,000 अभी उनको वो 15,000 में उनसे अच्छे फीचर्स ब्रांड दे रही है. जी सो दे डू नॉट हैव टू गो फॉर एनी ब्रांड विच इज़ यू नो जस्ट अ ब्रांड.
दे कैन गो फॉर अ ब्रांड विच इज़ बेसिकली मच क्लोजर टू द यूजर एक्सपेक्टेशन. राइट, पर ये एक दो मुड़ी तलवार टाइप का हो गया, क्योंकि अगर आप देखेंगे, अगर हम अपने मार्केट की तरफ देखें, इंडियन मार्केट की तरफ, बहुत सारे ऐसे प्लेयर थे जिनने अपनी जर्नी, अपनी शुरुआत की थी ऑलमोस्ट 35,000 के फोनों से, 25,000 रुपए के फोनों से. और जब उन लोग ने बजट फोन लाए, लोगों ने कहा हाँ यार क्वालिटी मेंटेन करेंगे, और उनकी तरफ अग्रसर होते थे और कहते थे यूज करेंगे. लेकिन अगर बजट से जिन लोगों ने अपनी जर्नी स्टार्ट की, जैसे आपका जो मेजर कॉम्पिटिटर मार्केट में शॉमी, उनने भी यही किया कि बजट फोन से अपनी जर्नी भारत में स्टार्ट की, और जब भी वो 25,000 के आंकड़ा क्रॉस करें कुछ करते, उनको उतनी सफलता नहीं मिलती है. तो ये थोड़ा आपको इसमें लग नहीं रहा है कि एक परसेप्शन बिल्ड हो चुका होता है कंज्यूमर्स के माइंड में कि बजट है तो शॉमी लेना है मुझे, रियलमी लेना है, लेकिन अगर हाई एंड जाना है तो मुझे दूसरा ब्रांड देखना है. I would differ to your answer. As a brand, हम लोग को एक साल के अंदर हम लोग को एक चीज ये हो गया कि ब्रांड ने वी वर एक्सेप्टेड इवन अबाउट 20,000, वाइल अदर ब्रांड्स आर स्टिल स्ट्रगलिंग टू सेल अबाउट 15,000. बाकी बहुत सारे ब्रांड्स हैं जिनको 15,000 के ऊपर भी सेगमेंट में स्ट्रगल हो रही है बेचने के लिए. हम लोग ने 15,000 के ऊपर में तीन सीरीज लेके आए, अभी तक एक्स लेके आए, XT लेके आए, और अभी X2 लेके आए. आई थिंक ऑल द थ्री वर वन ऑफ द मेजर सक्सेस, रन अवे सक्सेस इन दैट सेगमेंट. सो पीपल आर एक्सेप्टिंग इट, बिकॉज आई वुड से अगर आप आज का ही फोन देख लीजिए, Realme X2 730G at a price point which is 16 starting from 16,999 going up to 20,000 rupees or 19,999 se 730G india mein koi bhi abhi jo ek available hai wo bhi around 40,000 ke aas pass available hai. So I think what we are trying to do is like a sort of a Robin Hood ke bhai best of the features leke aaye, jaise video bokeh hai jo pehle ek premium device mein hi available tha. So people are not fools, people understand ke ye sare features pehle premium device mein hi available the. Agar aap video bokeh bole ya aap selfie nightscape bole ya to rear camera nightscape bole, ye sare sab sirf high end phone mein hi available the. Now we are trying to bring in the mid range premium phones also, in the mid range also we are trying to do that. 960 fps slow motion, aaj tak maine kabhi bhi hamare college time mein maine suna nahi tha ki kabhi koi 30-40,000 ke phone ke niche kabhi bhi maine suna nahi tha. Ji, we are trying to bring it about 10,000 also, around 10,000 also. So this is what are the things I would say, ke this is what the user wants. I think we've been fair to the user. अगर आप बात करें 2020 की, 2020 के लिए आपके प्लान्स ऑलमोस्ट फ्रीज हो गए होंगे कुछ ना कुछ, तो कम से कम पहले दो क्वार्टर्स के, तो ये बताइए कहीं के ऐसा कोई प्लान तो नहीं, क्योंकि अभी जो आपके लॉन्चेस हमने देखे हैं, मोबाइल लॉन्च किए आपने, इससे जुड़े हुए इकोसिस्टम प्रोडक्ट्स लॉन्च किए, चाहे एयरबड्स हो गए या वायरलेस नेक बैंड हो गया, कहीं और जूते, बैग, पेन ऐसे कुछ लाने का विचार है? देयर आर लॉट ऑफ IoT प्रोडक्ट्स व्हिच वी आर प्लानिंग टू ब्रिंग, काफी IoT, बिकॉज़ Realme इज नॉट ओनली मोबाइल ब्रांड नहीं रहेगा जी, एक टेक लाइफस्टाइल ब्रांड रहेगा जो सारे एस्पेक्ट कवर करेगा, जैसे IoT प्रोडक्ट्स करेंगे, फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोडक्ट्स, जैसे IoT प्रोडक्ट आपको अगले लॉन्च में भी आप आएंगे ही, सो डेफिनेटली तभी हम आपको और बताएंगे, बट आई वुड से वी आर स्टिल वर्किंग ऑन इट. पर इतना है जो हमारा फिलोसॉफी है दैट इज़ वेरी क्लियर, कि जो भी IoT प्रोडक्ट्स हम लोग लॉन्च करें, जस्ट नॉट फॉर द सेक ऑफ IoT हम लोग लॉन्च करें, उनकी यूजर बेनिफिट्स कैसे हो सकती है, दैट इज़ वॉट वी आर ट्राइंग टू डू. राइट, और उसके अलावा 2020 में कंज्यूमर्स आपसे क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? जैसे इस साल आप लोग ने काफ़ी स्पेक्स एंड प्राइस पे काफ़ी अच्छे से अपनी पकड़ मजबूत की थी, इतनी कर ली थी कि ऑलमोस्ट आप जो इस सेगमेंट में बेताज बादशाह बने हुए थे उनको आपने कड़ी चुनौती दी है. नेक्स्ट ईयर हम क्या देख सकते हैं आपसे, एक्सपेक्टेशंस क्या रख सकते हैं कंज्यूमर्स आपसे? देखिए, जो उन्होंने इस टाइम ये सेगमेंट में किया है वो हर सेगमेंट में करेंगे हम. That is what Realme is all about, के disruptions हर segment में लाने की हम लोग कोशिश करेंगे, and we understand के users की expectation at a particular price point क्या होनी चाहिए, and if I am able to deliver at that particular price point उनकी जो expectations है वो, तो I think which is one of the most important key aspect right now. Right. आज 64 megapixel कैमरा, क्वाड कैमरा, आज के दिन में I would say के वी हैव गॉट मल्टीपल अवार्ड्स फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग, एंड व्हेन आई एम ट्राइंग टू कंपेयर, मैं किसी के साथ भी कंपेयर भी करूँ तो अच्छे से अच्छा फ़ोन भी उसमें पीछे आ जाता है. अगर मैं कोई 30-40,000 वाले फ़ोन भी किसी के साथ कंपेयर करूँ तो भी वो मुझे ऐसा लगता है कि इट इज़ नॉट वर्थ इट टू कंपेयर विद इवन विद माई XT विच इज़ 15-16,000 रुपीज़. Realme का 108 megapixel स्मार्टफोन कितना दूर है या कितना नज़दीक है? सी, इट्स इन वर्क्स, बट बेसिकली मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, मेगा पिक्सल का वॉर अगर, चलो अगर आज मैं 108 लेके आऊँगा तो कल कोई बोलेगा कि भाई 216 का भी आप लाओगे जी,
ये सिर्फ ये मेगापिक्सल का वॉर नहीं होना चाहिए. आई वुड से दैट बेसिकली इसमें काफ़ी कुछ एस्पेक्ट्स हैं जो जुड़े हुए हैं, जी जो आपके अभी यूजर्स और सबको पता रहनी चाहिए कि एक फाइल साइज जो बड़ी हो जाती है उनके लिए आपको सेविंग डेटा अपलोड डाउनलोड करने के लिए उसमें UFS सिस्टम चाहिए. अगर आप MMC सिस्टम रखोगे अभी भी तो उसमें वो नहीं चल पाएगा. UFS 2.1 या 3 के ऊपर ही रहेगा तो देन इट विल बी मच वो वर्थ वाइल. राइट, तो जिससे आपका डेटा ट्रांसफ़र, अगर आपकी एक इमेज 20 MB की हो गई तो आपका वो डेटा ट्रांसफ़र करना वो ईजी हो जाएगा. पर वो 20 MB की इमेज आपकी जो 108 MB की होगी वो आप अपलोड नहीं कर पाओगे सोशल मीडिया पे. सो एट द एंड ऑफ द डे उनको आप लो रेजोल्यूशन पे लाओगे. जी तो इज़ इट रियली अ मेगा पिक्सल वॉर कि मतलब आपको कैमरा के हाई रेजोल्यूशन का आपको कौन सी नीड है? आई थिंक दैट इज़ समथिंग वॉट वी नीड टू अंडरस्टैंड. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 108 इज़ बैड और गुड, बट आई एम ट्राइंग टू से कि यूज़र की जो एक्सपेक्टेशंस है या यूज़र की जो नीड्स है, आर दे एबल टू सेटिस्फाई विद 16? मैंने काफ़ी कैमरा देखे हैं जो सिंगल कैमरा में भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं. जी एंड आई थिंक मैंने अभी के इंटरव्यू में पहले भी बताया हुआ कि सिंगल कैमरा में भी लोग काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं. हम लोगों ने अगर क्वाड कैमरा दिया तो दैट डज नॉट मीन कि सिंगल कैमरा कोई बुरा है, पर इनसे ये है कि जो कैमरा एंथुजियास्ट है जिनको मैक्रो लेंस है या वाइड एंगल है उनमें वो सारे एस्पेक्ट्स कैमरा के जो लेंसेज लेके करने पड़ते थे वो अभी एक फ़ोन के साथ ही कर सकते हैं. सो दे कैन एक्सप्लोर मोर फ्रॉम द फोन विथ 4 डिफरेंट लेंसेज. दैट इज़ द रीज़न वाई. सो ऑब्जेक्टिव इज़ नॉट अबाउट कि हमको एस्थेटिक बेचना है. ऑब्जेक्टिव इज़ कि आप फ़ोन से ज़्यादा क्या कर सकते हो. आप एक ही आपको अलग नहीं, तो आज अगर मैं कैमरा एंथुजियास्ट नहीं हूँ पर अगर मेरे फ़ोन में अगर 4 डिफरेंट लेंसेज है, आई कैन यूज़ ऑल ऑफ देम. कभी ना कभी तो मैं यूज़ करूँगा मैक्रो लेंस क्लोज शॉट लेने के लिए या वाइड एंगल लेने के लिए मैं भी ट्राई करूँगा इफ़ आई हैव दैट टूल अवेलेबल इन माई फोन. दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट. माधव, क्या यहाँ पर हिंट दे रहे हैं कि 2019 पे आप लोग ने प्राइस पे काफी फोकस किया था, स्पेक्स पे फोकस किया था, लेकिन 2020 में फोकस रहेगा यूजर एक्सपीरियंस और यूटिलिटी पे? क्योंकि जो भी आपने बोला वो यूटिलिटी और एक्सपीरियंस रिलेटेड था. आपने एक जगह भी नंबर्स पे ज्यादा स्ट्रेस नहीं किया. यूजर एक्सपीरियंस और यूटिलिटी तो हमारा डे वन से मोटो रहा है. आई थिंक दैट्स द रीजन रियलमी को 18 मंथ्स में इतना एप्रिसिएशन इसी वजह से मिला हुआ है कि बिकॉज वी हैव ट्राइड टू ब्रिंग एवरीथिंग व्हाट एवर द यूजर वांट्स इन आवर लोअर प्राइस सेगमेंट. आई थिंक दैट इज़ हम वन ऑफ द मोस्ट की रीजन्स के वी हैव मैच द यूज़र एक्सपेक्टेशन इन एवरी सिंगल प्राइस सेगमेंट. और यही हमारा मोटर 2020 में भी यही रहेगा. सो ब्रिंगिंग मोर सर्विसेज, कनेक्टेड एंटायर इको सिस्टम, पेमेंट सोल्यूशंस उनको हम लोग दे सके और कनेक्टेड रियलमी फॉर एवरी इंडियन ड्रीम के लिए जो जो हम लोग अचीव कर सके. सो टू क्रिएट एन एंटायर इको सिस्टम टू अचीव आर ड्रीम फॉर रियलमी एवरी इंडियन, कि हर घर में रियलमी कैसे रह सकता है. That is how it is all about. और अगर मैं आपकी सीरीज की और निगाह डालूं तो उस टाइम मुझे लगता है आपकी सीरीज थोड़ी मिलती जुलती लगती है जो सैमसंग वाली स्ट्रैटेजी होती है. मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आपकी जो सीरीज के लगातार एक फोन आते हैं, दो फोन आते हैं, 500 से लेकर 1000 रुपये का डिफरेंस के करीब रहता है. और ये एक ही और ब्रांड है जो ये मैनेज करता है, वो है सैमसंग. उनकी भी ऑलमोस्ट इतनी ही सीरीज लॉन्च होती है. तो आपको लगता है कि ये वाली स्ट्रैटेजी आगे चल के कामयाब रहेगी या इसमें चेंज करेगी? आई थिंक इट्स नॉट अबाउट स्ट्रैटेजी फॉर अस, फॉर रियलमी. मैं दूसरे ब्रांड के बारे में कमेंट नहीं करना चाहूंगा क्योंकि मुझे उनकी स्ट्रैटेजी के बारे में पता नहीं है. बट फॉर रियलमी इज ऑल अबाउट कि हम समझते कि एवरी प्राइस पॉइंट कस्टमर की एक्सपेक्टेशन अलग अलग है. किसी को कैमरा से ज्यादा एक्सपेक्टेशन है, पर किसी को बैटरी से ज्यादा एक्सपेक्टेशन है, पर उनके पास बजट समझ लीजिए सब 10K ही है. तो मैं 10,000 के अंदर सब चीज नहीं दे सकता एक ही फोन के अंदर. अज्यूमिंग इफ आई एम ट्राइंग टू गिव द बेस्ट ऑफ द कैमरा, तो मैं कैमरा के ऊपर फोकस करके वो सीरीज़ बनाऊंगा या तो फिर मैं बैटरी के ऊपर फोकस करके सीरीज़ बना सकता हूँ. सो व्हाट वी ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट बेसिकली यूजर्स की एक्सपेक्टेशन हर एक की अलग अलग होती है, और वो अलग अलग एक्सपेक्टेशन है, तो वी नीड टू क्रिएट मल्टीपल प्राइस पॉइंट टू यू नो फुलफिल यूजर्स एक्सपेक्टेशन. और अगर 2019 की फिर से बात करें तो 4000 से लेकर 5000 mAh के बीच की जो बैटरी थी उसकी, उसमें आपने लॉन्च किए ऑलमोस्ट 69% स्मार्टफोन. तो पूरा डेटा लेके बैठे हमारा. 2020 में क्या कर सकते हैं कि आपके ज्यादातर फोन 5000 से अबव बैटरी में आएंगे? सी, बैटरी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट फॉर द इंडियन यूजर्स. जी हम समझते हैं कि बेसिकली बिकॉज आज के दिन में उनका एक कॉन्स्टेंट कंपेनियन है फ़ोन, तो दो सोल्यूशन हम लोग ला रहे हैं, या तो बिगर बैटरी या तो फास्ट चार्जिंग. जैसे अगर आपने 10 मिनट भी चार्ज कर लिया तो वी कैन स्पेंड फॉर द रेस्ट ऑफ द डे. जैसे फास्ट बिकॉज वी हैव सीन यूजर्स के पास टाइम नहीं है ज़्यादा. सो दैट्स हैंस वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग 20 वॉट 30 वॉट 50 वॉट फास्ट चार्जिंग सोल्यूशंस और बिगर बैटरीज टू द यूजर्स. राइट, सो जैसे माधव ने कहा ना कि हमने इनका पूरा डेटा कलेक्ट करके रखा हुआ है, वो बिल्कुल सही बात है. और देखना ना भूलिएगा, जल्दी आने वाला है रिपोर्ट कार्ड 2019,
रियलमी का, जहां पर हम देंगे लेखा जोखा रियलमी ब्रांड का, इस साल उनने कहां कहां मारे बाउंड्री और कहां पर रह गए थोड़े से सुस्त, ठीक है ना, भूलिएगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं इंटरेक्शन में। माधव चलते थे आपसे एक क्वेश्चन और पूछना बनता है, ये कि आज के जो आपका लॉन्च होता है उसमें एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग नजर आई। आपने बताया आपका फोन फ्लिपकार्ट पे दिखेगा, रियलमी पे दिखेगा, और साथ ही साथ आपने ये भी बोल दिया कि ऑफलाइन मार्केटिंग भी देखेगा और बहुत जल्द आएगा। तो ये जो आपकी स्ट्रैटेजी है, मतलब मैं पिछले 3 महीने से देख रहे हैं, आप काफी पुश कर रहे हैं ऑफलाइन मार्केट में स्ट्रीमलाइन करने के लिए, और साथ ही साथ इधर अच्छी बात ये भी कि ऑफलाइन वाले बड़े आपसे बड़े खुश हैं, वो कह रहे हैं कि जिस प्रोडक्ट जो ऑनलाइन में बिकेगा उसी प्राइस पे हमें भी मिलने वाला है। ये इम्प्लीमेंट करना टफ था, नेसेसिटी था, या फिर थोड़ा मुश्किलें फेस हुई आपको? सी ये नेसेसिटी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज आई बिलीव के सी एज अ कंपनी कल्चर हमारा एक क्लियर कल्चर है कि ऑल द पार्टनर शुड बी ऑन द सेम लेवल, वो ऑनलाइन हो के ऑफलाइन हो, दे ऑल शुड बी ऑन द सेम पार लेवल। तो एक कॉन्सेप्ट क्लियर था कि हमको ऑफलाइन में भी सिमिलर स्ट्रेटजी से ही जाना है, दो विल नॉट ग्रो एट अ फास्टर स्पेस बिकॉज हम लोग बाकी सब ब्रांड्स के जितने इतने हाई मार्जिन हम लोग नहीं भी देते, सो बट सो हैंस वी हैव टू ग्रो स्लो। हम लोग काफ़ी कम देते हैं बिकॉज मे बी 1/4 ऑफ द अदर ब्रांड्स विच दे मस्ट बी गिविंग जी। तो वो बड़े बड़े स्कीम्स देते हैं डीलर्स के लिए जी। जो डीलर्स उनको पुश करते हैं उनके प्रोडक्ट बेचने के लिए, जो हम नहीं देते हैं। सो हम ये समझते हैं कि यूज़र को ज़्यादा बेनिफिट्स होना चाहिए, नो डाउट डीलर शुड बी बेनिफिटेड, बट यूजर्स बेनिफिट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। आज के दिन में द कस्टमर्स इज ऑलवेज सेड इज़ टू बी किंग, तो कस्टमर्स की प्रायोरिटी इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, नो डाउट डीलर्स आर इंपॉर्टेंट, ट्रेड इज इंपॉर्टेंट, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके लेयर्स इतने सारे हो जाए कि यूजर्स हैव टू पे फॉर ऑल दिस लेयर्स एट अ वेरी हाई कॉस्ट जी। इट शुड बी रीजनेबल, राइट। लेकिन लास्ट टाइम एक और चीज़ हमने देखी थी कि बहुत सारे ब्रांड जो ऑफलाइन पे दस्तक दे रहे थे, उनका एक मेजर इशू आ रहा था शिपमेंट्स का इशू। ऑनलाइन पे तो प्रोडक्ट्स मिल जाते थे कभी सेल में कभी कहीं पर भी, लेकिन ऑफलाइन में बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। आपने इसके लिए क्या करने वाले हैं? देखिए, इट इज़ ऑल अबाउट, हम लोग जैसे जैसे मार्केट एक्सपांड कर रहे हैं, हम लोग अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी वैसे ही हम लोग स्केल अप करेंगे, लाइक बिकॉज वी वुडन लाइक टू स्केल अप ओवरनाइट। बट हम लोग जैसे अभी हम लोग को ऑनलाइन के कंजम्पशन डिमांड पैटर्न्स हमको पता है, ऑफलाइन वी आर करंटली प्रेजेंट इन अबाउट 10,000 स्टोर्स, सो हमको पता है कि 10,000 स्टोर्स हाउ मच द कंजम्पशन वुड बी एन एस्टिमेशन। हम लोग वो एस्टिमेशन से हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। टुमारो वी हैव अ विजन के 2020 तक, ईयर एंड तक, दिसंबर तक वी विल बी रीचिंग टू 30-35,000 स्टोर्स ऑफलाइन में। तो 35,000 स्टोर्स में हम लोग पहुँचेंगे तो वी नो दैट द डिमांड वुड बी सो मच, सो हम लोग वो हिसाब से हम लोग प्रोडक्शन प्लान कर सकते हैं अकॉर्डिंगली, राइट। तो माधव चलते चलते अगर आपको अपने मैसेज देना चाहते हैं अपने रियलमी फैंस को कि 2020 में ऐसी दो चीज़ें कौन सी हैं जो आप रियलमी से बिल्कुल एक्सपेक्ट मत करिए। मैं बोलूँगा क्यों एक्सपेक्ट नहीं करनी चाहिए, सब कुछ आपको रियलमी से ही एक्सपेक्ट करना चाहिए। आई थिंक रियलमी टीवी आ रहा है फिर, मतलब आईओटी प्रोडक्ट्स काफ़ी आ रहे हैं, एंड आई वुड से दैट बोल नहीं रहे हैं टीवी जी, नहीं टीवी के बारे में मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता अभी, बट यस वी आर वर्किंग ऑन लॉट ऑफ आईओटी प्रोडक्ट्स जी, एंड सून यू विल हियर अनाउंसमेंट्स कमिंग फ्रॉम अस। Great. Thanks, Madhav. It was lovely talking to you and sure. wish you a very happy new year in advance. Thank you very much. Thank you very much. Friends, इसके साथ your interaction तो यहीं समाप्त होता है, लेकिन अगर आपके कोई सवाल है Realme से जुड़े हुए तो comment section में जरूर लिखेंगे, कोशिश करेंगे कि उनका जवाब आपको जल्दी पहुंचे। और report card 2019 देखना मत भूलिएगा, परसों से सबसे पहला episode आ रहा है।